I had a perfect married life. A loving and caring husband. A partner who shared everything. My life is just like a fairy tale. A happy family. I couldn't ask for anything more. I had a peaceful life. कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी. अच्छी जॉब थी. A caring mother. And an understanding wife. Everyone was living happily with each other. But then, complaints started from the both ends. नहीं, क्या बदतमीजी है? क्यों क्यों फेंका है? मैं नौकर लगी हुई हूं. मां की सुनता तो बीवी नाराज. और बीवी की सुनता तो माँ. तुम मैं किधर जाऊँ? तुम्हें ये समझा क्या हुआ है? ये पकड़ो अपने पैसे और निकल जाओ यहाँ से. तुम Nobody tried to understand my position. But eventually, things started to change. पीछे में बैठो. कैसे दबा रही हो? दबाने नहीं आता. मसला क्या है? हाथों में जान जान ही है तुम्हारे. टिपिकल फैमिली मेलोड्रामा मेड अस टू अपार्ट. शॉपिंग पे चले फिर से? अभी तो पिछले हफ्ते गए थे. मैंने चीजें ले ली हैं. क्या चीजें यार? मेरी टॉयलेट्स खत्म हुई हैं. मैंने चीजें ले ली हैं. पैसे नहीं है मेरे पास. मेरे लिए हमेशा पैसे नहीं होते. सुने, लेट वर्किंग आवर्स इन ऑफिस, वर्कलोड. I was all stressed out. मेरे लिए तो कभी तुम्हारे पास पैसे होते नहीं है. सारी तनख्वाह जाके अपनी माँ को दे दो ना. मैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ. हाँ हाँ, जाओ बीवी के पास, उसी के पास रहो, उसी की सुना करो, माँ की ना सुनना. But that one day, he came back from work. And there was something unusual.
तुम्हारे पास पैसे होते नहीं है, जाओ बीवी के पास, अपनी माँ को दे दो ना। मैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी सुना करो, माँ की ना सुनना। I tried to calm him down. All I was worried about was my daughter.